मैं कहा बताऊं भैया, लोगन के आंसू निकल गए, इमोशनल बहुत है। और जा का आई बहन के लंदन ने ना देखो, जाके देखो भैया, हाथ जोड़ के तुम ते प्रार्थना हम। हाँ तो भैया, सवन को राम राम। एक बार फिर कॉफी विद कैलाश हाजिर है एक नए सेलिब्रिटी के साथ, और सेलिब्रिटी ऐसे जिन्होंने आग लगा रखी है, और आग कोई आग पे ना लगा रखी, आग लगा रखी है पहले कई साल अंते ना, ना ऐसे घबरावे की ऐसी कोई बात ना है। उन्होंने आग लगा रखी है अपने गाने से, अपनी डैसिंग पर्सनैलिटी से। लोंडियाँ देख देख के बावली आई जा रही हैं, लोंडे जिम में लगे पड़े हैं कि ऐसी बॉडी बन जाए। हाँ, उनको गानों आयो है जिंदगी की पौड़ी। जिंदगी दी पौड़ी जिथे तक चढ़ांगे तेरे नाल चढ़ांगे। भैया ऐसो गानो, ऐसो गानो, जाने ला दी आंसुओं की बाढ़। बहुत इमोशनल गानो है यार, मैं बता रहा हूँ, बहुत इमोशनल गानो है। तो सबन ने करी प्रमोशन, हम करेंगे सेलिब्रेशन। तो जोरदार तालियों से स्वागत कर दो हमारे मिलिंद गाबा जी और हमारे बहुत ही प्यारे सुनील भैया। भैया ताली बजा दो भैया, अपनी चौड़ा लगे भैया। ठीक, चलो। तो भैया नमस्ते, भैया नमस्ते, और सब बढ़िया? तो भैया देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सो। और सुनील भैया तुम यहाँ बैठे हो, हमें बहुत प्यारे लगे। अब वो कहा बात है कि भैया बनानी पड़ते, कल को कोई बड़ी प्रोडक्शन छेड़ेंगे तो तुम्हारे प्यार पकड़ेंगे भैया, करवाओ ये है कि नहीं, बड़ो गाना पकड़ेंगे भैया को पकड़ लेंगे। ये अपने बना के चलनी पड़ते हैं, ऐसी थोड़ी है। तो भैया सबसे पहली बात, ये कॉफी विद कैलाश अपने शो का नाम ऐसा है, ये कहा है कि वैसे तो ऐसे लोड शो की हम पैरोडी करें ना है, पर कहा है कि अब लोगों में डिमांड ऐसी है, सिर्फ डिमांड के कारण करना पड़ रहा है। और यहाँ देख रहे हो कॉफी वॉफी कछू ना, देसी शो, कॉफी वॉफी कछू ना, सिर्फ नाम धरो बाको, वो चल लो है। सबरे बावले है ना, जाई में जाएंगे, जाई में जाएंगे, हमने बोले हमारे पे ही आ जाओ, कॉफी सुन के सब आ रहे हैं, चलो। तो अरे ऐसा कोई स्टारबक्स की थोड़ी मिल रही है, बनती तो यहीं की है ना, यही बात। तो अब दूसरी बात ये कि भैया बताओ कि गाने को मतलब ऐसो कछु बताओ जो आपके दिल पे मतलब बहुत यादगार सी बात रह गई हो, और काऊ और को ना पाती हो, सबसे पहली बात तो ये है। जैसे आप पहले बताया होगे वो तो ठीक है, मैं अनसेंसर्ड वर्जन फिर बताता हूँ, है ना। ऐसो कछु आपको बताती हूँ, कुछ जिन्हें नया काज भूल जाते। तो हमने 5 दिन रखे थे, मैं आपकी लैंग्वेज में कैसे बोल पाऊंगा यार, आप अपनी। भैया हमने 5 दिन रखे थे, ठीक है। तो 3 दिन हमने शूट करना था, 2 दिन हमने पार्टी करनी थी, पार्टी तो कर ली। तो 2 दिन के बाद हमें पता चला कि 3 दिन आगे शूट हो नहीं सकता, क्योंकि उसका जो वेदर था, बारिशें थी, स्नोफॉल थी, तो हमारे लग गए, तो हमारे तो हम वापस आने वाले थे। तो फिर किसी आपके जैसे भाई ने, महानुभाव ने, उसने ना आके बोला कि तुम यहाँ पर मत करो, तुम वहाँ पर जाओ। तो हम 300 किलोमीटर दूर गए वहाँ से, और बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था करना, और वहाँ पर जाके हमने शूट किया, बहुत मुश्किल से शूट हुआ है। बताओ बताओ यार, हम तो यूँ सोच रहे कि बस यूँ ही बन गई वीडियो, यूँ ही लगे कि तो ताली बजा के आ गई, अरे मिलन को गाना आया, मिलन को गाना आया। सब रे ऐसी करें, ये ना पता आगे पीछे स्ट्रगल कितनी है। तो भैया जैसे आपको एक एक्सपीरियंस रहा, एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। तो भैया हम आए का है 1990 में, यहाँ दिल्ली में हमारी नौकरी लग गई टाउन हॉल में। तो सुल्तानपुरी से टाउन हॉल हम जात गए साइकिल पे, और भैया गर्मी तुम देख रहे हो कैसी पड़ रही, क्या है भैया 90 सीढ़ी चढ़नी पड़ती हूँ, एक आध ज़्यादा हुई होगी, कम तो ना है, 90 पौड़ी चढ़नी होती। अब 90 पौड़ी चढ़नी होती इतनी गर्मी में, सीढ़ी से ऐसे उतरते उतर के उतरना चढ़ना होता हो ना, टांगन की ऐसो भभको निकलतो, ऐसो भभको जे मैं ही जानता हूँ। और साले कुत्ते और बगलन में छुपे पड़े होते, राम जाते नेक नेक पूछ दब जाए, यो भौकेंगे खा जाएंगे सब। अरे ये ना पता, साले 300 रुपल्ली में ऊपर चढ़ रहा हूँ, तू काट ले को 150 रुपए इंजेक्शन में चल के, मेरी तो सबरी माता पूछ गई है कि ना। और काई कु ऐसी शर्म ना आ रही, कुत्ते कुत्ते ही है होते हैं साले। जैसे कि जिंदगी की पौड़ी चढ़ी, हमने तो 90 चढ़ी, तुमने तो जिंदगी की पौड़ी चढ़ी, तो आपने बातें कहा सीखो, कहा एक्सपीरियंस रहो, और जाके अलावा मतलब बता डिफिकल्ट रहो तो कछु मतलब लोगों को बता दे, साले ऐसे नीच लोग घूम रहे कहा बताओ, कुछ सीख ही जाएंगे। नहीं, गाना हमने बहुत मन से शूट किया था, बट ये था कि
इस इनकी वजह से ना थोड़ा सा हम डिसअपॉइंट हो गए थे, हम बड़े निराश हो गए थे. हम पहली बार ऐसा हुआ कि किसी शूट के पहले हम रोए हैं. भाई रोए, मैं रोए और मैं रोया. रोए नहीं होता, रोया होता है. तो शायद भी और ये सब हम फूट फूट के रो रहे हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, दिस एंड दैट. बहुत बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन वाले जोन में चले गए थे. बट फिर क्या कहते हैं, अपनी किस्मत अच्छी थी और भगवान हमारे साथ था, तो हमें कहीं और ले गया और वहाँ पे जाके हमने अच्छे से शूट किया. तो ये है कि जिसके, मैं ये एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जिसके नीचे अगर कोई भी वीडियो आती है जिसके नीचे लोग कमेंट कर देते हैं कि यार बेकार, बकवास और यू नो समथिंग लाइक दैट. अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा, मेरे को तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है भाई, है ना. आपकी वीडियो भी लगा लो, आप भी वीडियोज़ बनाते हैं, आपके पीछे भी बहुत मेहनत होती है. देखो हम गर्मी में काम कर रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी में. तो अप्रिशिएट हार्डवर्क. अगर आपको नहीं पसंद आया तो एक एडवाइस डाल दो कि ऐसा करें और हम अमल करेंगे उस पर. वी दैट कीप इन माइंड. तो ये है कि रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क. आप कैसे बता दो, मैं तो फिर अपनी भाषा में बोलूँगा. हाँ आप बताओ. मैं क्या बताऊँ, सब लोग बता ही रहे हैं. बाकी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, शुरुआत में तो बहुत अच्छा था. और क्योंकि हमने जाके पार्टी करनी थी और पार्टी तो हमेशा अच्छी होती है, तो हमने बहुत पार्टी की. बट फिर वही जैसे मिलने बोल रहे हैं, फिर किसी ने आप जैसे अच्छे मनुष्य तो उन्होंने बोला कि अब गांव में चलते हैं. मनुज बोला मनुज तो यार हमारी यारी दोस्ती बढ़ रही है. ऐसी कोई बात ना, ऐसी यारी दोस्ती बढ़ रही है. तो उन्होंने बोला कि हम गांव चलते हैं. और आपने वीडियो देखा ही है, वो गांव कहीं से नहीं लगता. तो बहुत अच्छा शूट हुआ. और 3 दिन का शूट था, हमने 2 दिन में किया. खाने पीने की बड़ी प्रॉब्लम थी, बस -4 में है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, सब कुछ है. लेकिन और ये बहन के लंदन आता नीचे लिख देते हैं इनकी साले, तुम्हें वो मिल जाओ ना, तुम्हें आधा गंजा करके घुमाया मैंने. बने हीरो. बहुत मेहनत करनी पड़ी सबको. भैया बहन के लंदन के होते हैं, बहुत मेहनत की. हम पीछे खड़े थे, हमने बहुत मेहनत की. बहन के लंदन के होते हैं, बहन के यूरोप के नहीं होते या पेरिस के नहीं होते. ऐसे जहाँ को बीजो लग जाए वहीं का लगा. सबरी बात यहाँ अटक रही है. अगली वीडियो शूट पता कहाँ पे करेंगे? बहन के लंदन में. तो और दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो मैंने गानों देखो, गाने में जो एक्टिंग है, माता पूछ गई. क्या बात है यार, कहां कहां से. अब काहे की सबसे एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा पर्सनली. मैंने गानों देखो एक बार, आपने पहले दिखाया होगा, बाद में मैंने खुद से देखो. भैया जो मैंने गानों देखो और गाने में जो इनकी एक्टिंग, वाह. मतलब जब ये आए हैं ना वहाँ पे, जब तक चली गई तब तक तो इन्हें देखो है वैसे रोमांस करते भाई. तो लेकिन जब ये आए इमोशनल मूवमेंट लेके, भैया मैंने कहा ये ले गो लौंडा, ये कर गो. मतलब दिल पे आ गई बात जो कर दी. और एक हमारा लौंडा उनको साले ने पथरी लेके बैठो घर, 5-5 पथरी भाई पड़ी है, एक इधर. आप तो जिंदगी की पौड़ी चढ़ गए, बात है साले से फर्स्ट फ्लोर की ना चढ़ी जा रही. इंजेक्शन लेकर ढोल लो, कब लग जाएगा, कब लग जाएगा मेरे. हाँ तो अब क्या बात है, अब सबसे इंटरेस्टिंग सा मोमेंट आ रहा है आपके लिए कि अब सुनील भैया कहा है हमारी प्रोडक्शन गई है थोड़ी बढ़, तो अब आ रहे हैं एक गेस्ट जो आपके बहुत बड़े फैन हैं. थोड़ा गेटअप ऐसे ही रहता है लेकिन फैन बढ़िया है. तो 5 मिनट दीजिए, अभी बुला देते. और भाई भी रखी अच्छा जो मैं सुनिया ना, मैं अपने मुंडिया नू बोला इधर, एक ही गल की थी. मैं गल जो की थी मैं बता रहा हूँ. लो पैसा 400 रुपये ले लो खा. मैं मेरा यार हूँ. क्या यार यार इन मोड़ने ना जेड़ा इन मोड़ता जिन्हें नेक्स्ट लेवल काम जी. ठीक, मैं एक और गल कहना चाहूंगा जी.
ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਸ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁੱਖੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਘੁਸ ਗਿਆ ਥਾ ਬੋਹਮੀਆ ਬਣ ਕੇ। ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ, ਬੈਠੋ ਨਾ, ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਵੀਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਭਾਜੀ, ਬੈਠੋ ਭਾਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ, तो भैया अभी इतने पे खत्म ना हो कि हम कार्यक्रम, अभी आ रहे हैं एक और गेस्ट, नेक्स्ट डे और बैठ जाते तो कहाँ चले जाते। आ जाओ, भेज दो उनको अगले, अगले, हाँ जो अगले आ रहे, आ रहे कहाँ। अरे सब तो नमस्ते, मेरा तो बंदा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये आते ना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। भाई भाई मैं तो मतलब एक बार हद तक रहा मैं तो आपको भाई कहना है। भैया मतलब मेरा तैयारी थी, मैं 9 बजे तक नाली साफ करता हूँ, उसके बाद अपनी ये ग्रामीण सभा चलाता हूँ, तो अभी अपनी ग्रामीण सभा चला था तो बहुत सही चल रहा है, मतलब जितनी मेहनती मजा आता है। इतना मेहनती हो आप, मेहनती बोल रहे हो? नहीं इतनी मेहनती बोल रहा हूँ, मतलब डाली निकल ली। अच्छा 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 अच्छा, मतलब क्या है ना कि मेरा तो सराउंड ही नहीं, जैसे हम ग्रामीण सभा चलाते हैं 5-5 रुपए ले लिए ना, औरतें मावे अंतर देती है यार, दिया तून मैं तो दिमाग तरह हो जाता है यार, मैं बड़ा तो तरता हूँ, नहीं बेतु नहीं बेतु लेती नहीं यार, अंतिम निकल जाती है यार रोज। कोई नहीं, वो है नेचर है, कोई बात वो नहीं, वो तो थोड़ा है। अब मैं थोड़ा कंट्रोल करते बात कर रहा हूँ, मेरा तो ज्यादा जैसा थी, मैंने आपको दाना देता है जिंदगी से पौड़ी दीदी दीदी, बहुत सही लगा मेरा जिंदगी से पौड़ी, बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब लिपित पे दाने चलते हैं। आपकी कोई लव स्टोरी है ऐसी जिंदगी से पौड़ी? मैं तो उसी पे आने वाला था। कौन बताओ ना, अभी अभी बताता हूँ। मेरा तो यदि हमारे जो द्रामिड सभा ना, उसमें सिर्फ आपके दाने बसते हैं, लिपित पे बसते हैं, लिपित पे लिपित पे लिपित पे। ओके, कोई सुने तो दी, नहीं सुना तो उतर ले। ठीक है, तो बहन तो बोल नहीं सकता। ठीक है भाई, ऐसा अपना मामला थोड़ा देर, थोड़ा दिमाग पे गरम हो रहा है। ठीक है, कोई तो अभी अपना दिया थी अपनी, जैसे आपकी लव स्टोरी थी दाने में, ऐसी दिया थी एक लड़की ने डायरी तोड़ दी तुम्हारी, उसमें ग्रामीण सेवा में, मेरी ग्रामीण सेवा, ये तो पता रहे यार। ये तो पता लिया मतलब, और ग्रामीण सेवा, अब जैसे थी आपने तोलते पड़ी थी सेम, अब मैं तो समझ गया, मैंने तो यार बताओ भाई ते साथ हो रहा है सेम टू सेम। दाना मैंने पूरा पूरा देता हुआ था, मैंने वो डायरी थरदा ली, तब मैंने बताया उसको, इसकी मेहनत ही बता दो ले दे दी गाना दूरा रह जाएगा, मैंने नहीं बताया। मैं अपने ऐसे तरह से रख ली मैंने, फिर क्या हुआ थी, जैसे आपने भी धोली थी तो मैंने भी धोली, तो जब मैंने धोली ना तो उधर मतलब वो होती इधर, अरे जो क्या रहता है उसका मतलब, उधर तिलोल होती, तिलोल हाँ, मतलब वो जो बोलते ना वो बसड़, हाँ बथड़ती होती थी। अब जब आपने धोली थी तो अलग अलग उसमें लीजी दी थी, वो उधर धूमी थी, इधर धूमी थी, इतना मस्त था दिल। जब मैंने धोली तो उसमें लिखा हुआ 25,742 रुपए तर्जा देना। यार लड़की के ऊपर कर गया था, हाँ वो किराने वाले था, तो उसका रजनीगंधा लेती थी वो, तीसरी से पता नहीं अपने बाप के लिए लेती थी। रजनीगंधा वाली लड़की क्यों बताते हो आप? अरे उससे बाप के लिए लेती होती ना, उससे दांत तो सही थे। अच्छा, तो मैं तो चल धीरे तो इज्जत नहीं, फिर उससे नीचे लेता था, जब तर्जा तुद्दा आएगा तब मैं ढूंढने जाऊंगी, जब कर्जा तुद्दा आएगा तब मैं ढूंढने जाऊंगी, तो मैं चुक जाएगा, चुक नहीं बोल सकते आप। अरे यही यही अपनी थोड़ी तो यही तो प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं पहले से बात नहीं करता लोग, लेकिन आप तो मतलब फैन हो इतना बड़ा, तो मेरे अब क्या, मैंने तो चलो ठीक है, जो कर्जा मैंने दब तरदा तुद्दा है तो दिया हुआ थी, मैंने सारा तरदा तुदा दिया, एक एक पैदल लगा दिया मैंने, तो इसकी बहन थी तुझ तो अच्छा हो तरदा तुद दिया, अब आपने भी तो इतना तुद करा था, आपने तो तुझ तरह पर तुद था दिया, मैंने कर्जा चुक गया शादी की बात करने आए होंगे, मैं भी यही सोच के बहने का, चलो बैठो बैठो जिधर बैठना है, दादा मिले सब बैठे, लड़ती में बदल मरती, हम चलने लगे,
चलते चलते बहुत दूर चले और उधर पे बर्फ बर्फ आ गई जैसे मेरे विश्व में। अब मैं यही सोच रहा था दाने का एंड आ गया। अब चलो अब मैंने कहा चलो इधर ज्यादा बर्फ है इधर मोड़ते दिखा दी थी तल्ले जैसे ही मैं इधर मुड़ा इधर ज्यादा बर्फ है इधर मोड़ते ठीक है जैसे ही मैं इधर मुड़ा उन्होंने बोला नहीं इधर इधर ले लो। मैंने कहा इतनी मेहनत इधर किया यहाँ तो रोड आ रहा था मैंने इधर किया यहाँ तो मंदिर में शादी होती ना। अरे मैंने तई मैं जिंदगी जी पौड़ी तड़ने जा रहा हूँ और तू मैं तो तड़ा रही है वैष्णो देवी की पौड़ी होती है 20,000 रुपए के नीचे और आ दिया 25 हो चुका है फिर 20,000 और चुका है मेरा दिमाग खराब ये लिया 20,000 होता है। मैं तो ये मैं तो बोला मैंने तो मैडम देखो ऐसा दाने तो आ रहा है एंड दाने तो तैयार है एंड तो अब हम तो थाली करनी पड़ेगी ये तो करनी पड़ेगी तो मतलब क्या करती है तेरे तो 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 दाने तो एंड है। मैंने तो तूने दाने में से जिंदगी तो पड़ी कहती नहीं पेन तो सिलवाया तुम आपके लिए नहीं पेन तो छोड़ो वो तो बहन तो तूतिया बना दिया एक गाना मेरा तू तक तू तक तू तक तूतियां वो नहीं गा सकता मैं क्यों फिर वही ना इतनी ऐसे हो जाए दुनिया वाली दाढ़ी उतरा दाढ़ी उतरा ठीक है तो अब क्या कर रही उससे बातचीत तो होती नहीं तो आप इंतिश तो करो तब तो बताऊंगा ना भाई भाई आपको जाना चाहिए इंतिश जाना चाहिए भाई भाई आपको जाना चाहिए फोन करना चाहिए भाई आपको नंबर मिलाओ यार नंबर मिलाओ नंबर अब मैं बता दे रहा हूँ ना आपको अब तो छो ही नहीं सकता भाई नंबर बताओ ना अरे आप तो चलो कोई बात नहीं फोन पे बात तो करते हैं मैं तो पूछ लिया यार लड़की अरे सुन अब तुम तो लो अब तो छो ही नहीं सकता ना वो दिया वो जब उसने बोला ना दाना नहीं सुनती मैं तो बस मैंने उस टाइम ना अब मत्ता भिन्ना दिया यार सुनो आपके दाने रीत पीत पे सुनता हूँ मैं दिल्ली से वैष्णो देवी चला जम्मू चला दिया आपके दाने सुनते सुनते समझ रहे ग्रामीण सेवा पे तो भाई उसको मैसेज कर देते हैं उसको वीडियो कॉल कर लेते हैं ऐसे ऐसे बात वो टूटिया है वो अब थोड़ा देव भाई तर्जा थे ये थोड़ी सही आपते दाना ना सही जो आपका दाना नहीं सुनती वो दिल्ली से दिल्ली अरे यार थैंक यू भाई थैंक यू सो मच यार चाय मत्थी वाले फैन थोड़ी हैं आपते फैन है दिल से चाय मत्थी वाले फैन आपसे बस यही चीज देना चाहता हूँ ऐसी जिंदगी की पौड़ी आप बनाते रहो आप सस्ता तर रहो ना सत्तर आप सस्ता तर रहो ना बस हमारे दिल में कुछ खाओगे आप कुछ पियोगे नहीं बस मैं बाहर तार दाल ही खाया हूँ रोटी तो तुत्ते तो मिल जाती है तुत्ते आपकी ग्रामीण से नहीं चलाया अरे नहीं ऐसी बात उसमें एसी भी नहीं है पक्का कर लेंगे सही यार बहुत सही ठीक तो भैया ये थी हमारी वीडियो को एंड तो जाकर आपको पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में लिख दे जो तेरे मन में आ रही हो अपनी एड्रेस के साथ तो और हाँ गाली गलो जितनी मन में आती हो उतनी लिख दो साले बहन के लंडन ना तेरे बाप को चिट्ठी में लिख के भेजी के तेरा लोड़ो का करो इंटरनेट पर ठीक बता दें सब ये सवरे इतना पैसा लगा के काम करें और इनके एक कमेंट से आदमी के कॉन्फिडेंस की माता पूछ जावे के धरे रह गए यूँ कहा हो कि भाई बाने एक गाली बक दी साले अब बक के देखियो माता पूछ जावे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे बिल्कुल यार ये बोले ये ना बोले अच्छा अजय ये भैया वो बोल देंगे ओ यार गाल दे तू रे यार भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही मेहनती लड़का है बहुत ही सहज सटल
बिल्कुल मेरे साथ शाही चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा दिल लगा के वीडियो बना रहे हैं, दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं. मेक श्योर यू शोर ऑल योर लव एंड विशेज एंड ब्लेसिंग्स भी देना बहुत ज़रूरी है इनके. लाइक करें, कमेंट करें, घंटा बजाएं. एक एक बात बुलवा भी पड़ रही है. अंकुर पाठक बहुत बढ़िया लड़का हमारे दिल्ली से और बहुत अच्छा काम करता है. इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और शोर दो. बस देखे और ये भैया मैं फिल्म विलम में कब आ रहा हूँ ये बता दो जल्दी, बहुत जल्दी हो गई. अब बात है गई है, अब यहाँ बोल गई है, ये जहाँ बैठे हैं ना बहुत बड़ी जगह आई है. ठीक है, अब आखिरी सरप्राइज है हमारा. लव ये केक ले लो. ठीक है, ठीक. ये एक तो जिंदगी की पौड़ी के सक्सेस के लिए है और दूसरा ये भाई ने नई स्कूटी ली है तो आई एम वेरी हैप्पी. घर में एक नया वाहन आया है और वेरी हैप्पी कि भाई ने अपनी कमाई से नई स्कूटी ली है. मतलब नहीं कर रहा ऐसी 50 हो और 25 लंबी गाड़ी के बाद, है ना. हाँ, 25 लंबी गाड़ियों के बाद 50 स्कूटी और लें, है ना. 50 स्कूटी और फिर हम शोरूम खोलेंगे पार्टनरशिप.